हुई शोले मूवी इंडियन सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और आज तक ऐसी मूवी नहीं बन पाई है। लेकिन क्या आपको पता है इस मूवी को कैसे शूट किया गया था और इसे शूट करने में टोटल कितने दिनों का समय लग गया था? अगर नहीं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को यह सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के स्टार्टिंग में, जब ठाकुर होली खेलता है और अपनी बहू से पहली बार मिलता है। और इस सीन की शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम विलेज में हुआ था, जो कि बेंगलुरु शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और इस सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को यह जान के हैरानी होगी, यह गांव अभी भी कर्नाटक में मौजूद है और इसे देखने के लिए हर रोज हजारों लोग आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अगले बिहेंड द सीन की, जहां गब्बर सिंह के कहने पर कालिया और तीन लोग गांव में जबरदस्ती वसूली करने के लिए आते हैं, जिसके बाद अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र गांव वाले को उनकी मजदूरी देने से मना कर देते हैं। और इस सीन की शूटिंग भी उसी गांव में किया गया था। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है, उस वक्त के समय में किसी भी मूवी को शूट करने में ज्यादातर VFX का यूज नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय VFX जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इसलिए इस मूवी को भी रियल लोकेशन पर शूट किया गया था। दोस्तों अब इसके अगले बिहेंड द सीन में दिखाया जाता है जब कालिया खाली हाथ गब्बर सिंह के पास लौटता है, जिसके बाद गब्बर सिंह काफी गुस्सा हो जाता है। और इस सीन की शूटिंग रामगिरी हिल्स पर किया गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसके कुछ बिहेंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के क्लाइमैक्स वाले सीन की, जब इस मूवी के लास्ट में गब्बर सिंह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पकड़ लेता है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन उसे बचाने के लिए आता है। और इस सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यह उसी समय का शूटिंग लोकेशन है और यह पहाड़ी आज भी स्थित है। अब इसके जस्ट बाद इसी सीन में जय और बीरू बसंती को लेकर भागते हैं और फिर तभी उन्हें गब्बर सिंह के गुंडों से फाइट हो जाती है। और यह शूटिंग लोकेशन उसी बिहाइंड द सीन का है और इस सीन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों यह लोकेशन इसके जस्ट बाद थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अब दोस्तों इसी सीन में एक इमोशनल सीन भी है, जब इस मूवी के लास्ट में अमिताभ बच्चन की मौत हो जाती है और इस सीन की शूटिंग इसी जगह पर किया गया था। दोस्तों अब इस मूवी का अगला बिहाइंड द सीन जानने से पहले इसका कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इस मूवी की डायरेक्टिंग रमेश सिप्पी के द्वारा किया गया था, जो कि अपने करियर में डॉन, दीवार और ओम शांति ओम जैसे मूवी को बना चुके हैं। दोस्तों 1975 में बनी फिल्म शोले की बजट थी 3 करोड़ रुपए और ये अपने बॉक्स ऑफिस पर अब तक का 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। और इस मूवी के लीड रोल में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र देओल, हेमा मालिनी और अमजद खान थे। दोस्तों अब इस मूवी में एक सीन है जब इस मूवी के स्टार्टिंग में जय और बीरू बसंती के टांगा में बैठते हैं और इस सीन की शूटिंग कर्नाटका के रामगिरी विलेज में हुआ था। और इस गांव के कुछ रियल लोकेशन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी शोले मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ फैक्ट। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।